बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा बंदा चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार जेहि सेवत नर होत हैं भव सागर से पार के गुरु के सिमरण मात्र से नाशत विघ्न अनंत ताते शर्मारंभ में ध्यावत है सब संत। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान जी की प्यारी संगत, आप सभी को मेरी हाथ जोड़कर जय सच्चिदानंद, जय गुरुवंदी, जय श्री राम। आज 1 मई 2022 दिन रविवार बैसाख शुक्ल पक्ष की एकम तिथि है, अर्थात पड़वा है। आज मजदूर दिवस है। आज के सूर्य उदय का समय 5:54 प्रातःकाल और सूर्यास्त का समय 6:32 सायंकाल। आज के राहु काल का समय शाम को 4:57 से 6:32। 4:57 से 6:32 सायंकाल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ ना करें। आज आप 121वां पाठ सुनेंगे। आप सुन रहे हैं श्री नगली निवासी भगवान जी के वचनामृत। कल आपने वचनामृत का ए पाठ सुना, आज बी पाठ आप सुन रहे हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पार्वती ने सप्तऋषियों को कहा था कि मैं अपने गुरु नारद जी की आज्ञा को नहीं टाल सकती, चाहे स्वयं मेरे प्रीतम भगवान शिव भी आकर 100 बार मना क्यों ना करें। पार्वती जी कह रही हैं किससे? सप्तऋषियों से, कि मैं अपने गुरु की आज्ञा को कभी टाल नहीं सकती, चाहे मेरे पति स्वयं शंकर भगवान जी ही आकर क्यों ना मना करें। कितनी बड़ी बात है। आज खुद सोचिए, गुरु आज्ञा कोई मानता है? पहली बात तो मानेगा नहीं, और अगर मानेगा तो उसमें अपना भला जरूर सोचेगा कि इसमें मुझे फायदा कहाँ होगा। और एक माता पार्वती स्वयं इतनी सर्वशक्तिमान होते हुए, भोलेनाथ की पत्नी होते हुए भी वो कह रही है कि मैं पति की आज्ञा ठुकरा सकती हूँ लेकिन गुरु की आज्ञा नहीं। कहा भी है, तजो न नारद का उपदेश हूं, आप कहीं सतबार महेश नहीं तजूंगी नारद जी के वचन, चाहे महेश सतबार मना भी क्यों ना करें। जो लोग कहते हैं कि स्त्री का गुरु पति ही बन सकता है तो वे अज्ञानी। जब अंत समय स्त्री की मृत्यु होने लगती है तो कहते हैं कि अब तुम राम राम या गुरु गुरु जपो। यह क्यों? कोई नहीं कहता कि तुम अपने पति का स्मरण करो। इससे सिद्ध हुआ कि पति कदापि गुरु नहीं हो सकता। गुरु तो पिता समान होता है, पति शरीर का मालिक होता है। परंतु यह बात भी सत्य नहीं, क्योंकि शरीर पराधीन है, विधाता की आज्ञानुसार शरीर छोड़ना पड़ता है, पति की आज्ञा को कौन पूछता है। इसलिए त्रिकुटी लंका के समान मसल सी त्रिकोण है, लंका में केवल हनुमान जी ही पहुंच पाए थे। हनुमान जी पवन पुत्र थे। अब विचार कीजिए, जो अपना मान अपने इष्ट देव भगवान के आगे हार कर पवन अर्थात अजपा जाप में ध्यान लगाएगा वही पवन पुत्र बन जाएगा। आप भी पवन पुत्र बन सकते हैं, बस करना क्या है। जैसे वो पवन के पुत्र थे, हमें भी पवन के पुत्र बनना है। और हम पवन के पुत्र कब बनेंगे? जब हम अजपा जाप जपेंगे, अजपा जाप करेंगे।
पवन से ही शब्द उत्पन्न होता है, तब वह लंका में पहुंचेगा, महासुक्ति रूप सीता को मिलकर भगवान राम का संदेश देगा। सुक्ति रूप सीता अहंकार रूपी रावण के पंजे में जकड़ी हुई है, आगे का राज पूर्ण सतगुरु ही खोल सकते हैं। पिंड देश कौरवों की सेना है, ब्रह्मांड देश पांडवों की। पिंड देश में 10 इंद्रिया और 11वां मन है, यह 11वां अक्षौणी सेना दुर्योधन की है। और ब्रह्मांड देश तीसरे तिल अर्थात आंखों के मध्य से सतलोक तक 7 स्थान है, ये 7 अक्षौणी सेना पांडवों की है। और शरीर रूपी रथ, अब आपका काम पांडव अर्जुन बनकर भगवान श्री कृष्ण रूपी सदगुरु को रथवान अर्थात सारथी बनाना है। तात्पर्य यह है कि दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा करना है अर्थात त्रिकुटी में सतगुरु का ध्यान जमाना है। आपको जब नाम दीक्षा मिलती है तो आपसे बोला जाता है इस स्थान पे ये त्रिकुटी है, त्रिकुटी भी बोलते हैं त्रिकुटी भी, यहाँ अपने सतगुरु देव को बैठाओ, उनका ध्यान करो, तभी कौरव दल रूपी विषय विवासनाएं नष्ट होंगी। 10 इंद्रियां घोड़े हैं, इनका सारथी मन नहीं सतगुरु होना चाहिए। गुरुदेव रूपी सारथी बनाए बिना कल्याण नहीं होगा। सभी धर्म ग्रंथ और शास्त्र सतशास्त्र रजिस्ट्री के समान है, जैसे सतगुरु के नाम की रजिस्ट्री लिखी हुई है। सभी कहते हैं कि तन मन धन सतगुरु का है, जिस ग्रंथ को भी देख लीजिए उसमें यही कथन है कि न लिखने वाला मालिक है, न लिखाने वाला, न रजिस्ट्रार और न रजिस्ट्री, ये तो सब एक तरह के गवाह हैं। भगवान राम रामायण के अरण्य कांड में लक्ष्मण को उपदेश देते हैं, धर्म ते व्रति योग ते ज्ञाना और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। अब लोग धर्म तो करते हैं परंतु उन्हें वैराग्य प्राप्त नहीं होता, यह अधर्म है, सच्चा धर्म नहीं। यदि ऐसा नहीं तो फिर भगवान राम की वाणी झूठी है। प्रभु राम का कथन त्रिकाल सत्य है, लोगों ने धर्म के वास्तविक रूप को नहीं समझा, उन्होंने दान देना और परिवार का पालन पोषण करना ही धर्म समझ रखा है, तभी तो वैराग्य प्राप्त नहीं होता। धर्म का असली स्वरूप तो यह है, परम धर्म श्री सदगुरु की सेवा विदित नरक निवारणम। इस धर्म का आचरण करते हुए श्री वैराग्य होगा, परम वैराग्यवान और तपस्वी ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु की सेवा ही वैराग्य दान करेगी। श्री रामचरित मानस के उत्तर कांड में प्रभु राम अयोध्या वासु को उपदेश देते हैं, शिव द्रोही मम दास कहावे, सो नर सपने हो मोहि न भावे। शिव द्रोही अर्थात शिव जी से में श्रद्धा ना रखने वाला वही है जिसका शिव नेत्र बंद है, वह कदापि अपने इष्ट देव आत्म देव को नहीं मिल सकता अर्थात उसका दास नहीं कहला सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरु सेवा करके उनसे शिव नेत्र खोलने की विधि अर्थात सहज समाधि सीखी, तब उन्होंने अपने अंदर सर्वव्यापी प्रभु राम को पाया। बिना सहज समाधि के जीव आत्म दर्शन नहीं कर सकता, इस युक्ति का ज्ञान साधक को पूर्ण सदगुरु द्वारा ही होता है। ब्रह्मा विष्णु और महेश यह तीनों देव जगत उत्पत्ति पालन और संहार अर्थात 84 का काम कर रहे हैं। माता पिता द्वारा मनुष्य शरीर का जन्म होता है, वे जन्म देने वाले हैं, उनसे छुड़ाने वाले नहीं। सतगुरु की दया मेहर के बिना यह जीव 84 लाख योनि अर्थात जन्म मरण के चक्कर से कभी नहीं छूट सकता और न ही कोई दूसरा इसे छुड़ा सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस रहस्य को प्रकट करते हुए कहा है, यदि किसी को यह संशय हो कि ब्रह्मा विष्णु और महेश गुरु से छोटे कैसे हुए, तो तात्पर्य यह है कि तीनों देव एक सच्चे साधु की महिमा का वर्णन करने में असमर्थ अथवा लज्जित हैं। सदगुरु देव इनसे इसलिए महान है कि उनकी कृपा से साधु बना जाता है और उस साधु की महिमा ये तीनों देव नहीं गा सकते। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण के बालकांड में कहते हैं, विधि हर हर कवि कोविद वाणी कहत साधु महिमा सुचानी। इसका भाव यह है कि सच्चे साधु की महिमा गाने में ब्रह्मा विष्णु और महेश कवि विद्वान पंडित वेद वाणी सारदा और सरस्वती इत्यादि असमर्थ हैं, फिर सतगुरु की महिमा का वर्णन कैसे हो सकता है। सतगुरु की कृपा से ही सतनाम की प्राप्ति होती है और नाम की महिमा गाने से स्वयं भगवान राम भी असमर्थ हैं। कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई और राम न सके ही नाम गुण गाई। सदा योग यज्ञ करना चाहिए, यही असली यज्ञ है। योग यज्ञ करने से विधि समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ब्रह्म संकल्प विकल्प रूपी ब्रह्म वायु का अंदर हवन करो और अंदर की वायु को बाहर निकालो, अर्थात वासना रूपी लकड़ियां योग अग्नि में जलानी चाहिए।
क्या संचित और क्या प्रारब्ध सब क्रियामान कर्म से दग्ध हो जाते हैं, यही सच्चा यज्ञ है। मानव जीवन देवताओं को भी मिलना दुर्लभ है, चाहे भगवान विष्णु ही क्यों ना हो, वे भी तीन गुणों में विचरण करते हैं। इस मानव जीव में चौथे पद की प्राप्ति हो सकती है। गीता के 11वें अध्याय में लिखा है कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया तो उस समय उस स्वरूप में अर्जुन को अनेकों ब्रह्मा विष्णु और महेश दिखाई दिए। इससे सिद्ध हुआ कि भगवान विष्णु कुल मालिक नहीं है, ईश्वरीय सत्ता कोई और है। भगवान विष्णु तो उस विराट स्वरूप की देह में लाखों थे। अब निराकार सत्ता अर्थात निर्गुण ईश्वर कौन है, जो कि साधु चोर वैश्य उसके अंदर विद्यमान है। बुरे कामों से वह सत्ता जीव को रोक नहीं सकती। इससे ज्ञात हुआ कि सद्गुण सगुण स्वरूप के ध्यान के बिना कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। श्री तुलसीदास जी ने भी सगुण गुरु मूर्ति का ध्यान किया, जिससे उनके दिव्य चक्षु खुले तो अध्यात्म रामायण की रचना हुई। साधक के लिए सगुण ध्यान की परम आवश्यकता है। जो लोग गंगा जी तथा दूसरे तीर्थों पर जाकर कहते हैं कि हमने अमुक वस्तु का जीवन भर के लिए त्याग कर दिया, इससे हमारा कल्याण होगा, तो वे जीव अज्ञानी हैं, क्योंकि उनके मन में जो वस्तु अच्छी नहीं लगती उसका वहां त्याग कराते हैं। इसका असली भाव तो यह है कि पूर्ण सदगुरु की शरण में जाकर मन को जो वस्तु अच्छी लगती है वह गुरुदेव के अर्पण करें, ताकि मन विकारों से हटकर गुरु चरणों में लीन हो जाए। भारत में प्राचीन काल में सती प्रथा प्रसिद्ध थी। इस रीति के अनुसार स्त्री पति की मृत्यु होने पर उसके शरीर के साथ ही जल मरती थी। इस रीति का आध्यात्मिक पक्ष यह है कि तृष्णा वासना तथा संकल्प विकल्प की लकड़ियाँ बनाकर सूर्ति रूपी स्त्री और शब्द रूपी पति के साथ योग अग्नि में सती हो जाए, अर्थात सूर्ति शब्द में लीन हो जाए। शरण और शरणागत में बहुत भेद है। शरणागत का पद ऊँचा है, इसका तात्पर्य यह है कि अपने इष्ट देव के चरण कमलों में अपने विचारों को युक्त कर दें, यही सच्ची शरणागति है। कुत्ता बिल्ली गधा और दूसरे पशु पक्षी यह भिन्न भिन्न योनियां मालिक ने जीव की इच्छा अनुसार दी हैं। जैसी जीव की वासना थी वैसा ही उसे शरीर मिला। यदि जीव को यह शरीर उसकी इच्छा के विरुद्ध दिए जाते तो जीव तंग आ जाते, खुश ना होते। हर जीव अपने अपने स्थान पर खुश है, उन्हें यह पता नहीं कि हमें यह योनि मिली है। बल्कि मनुष्य तक को भी यह पता नहीं कि मैं यह योनि भोग रहा हूँ। सभी कहते हैं कि हम पहले भी ऐसे ही थे। भाव यह है कि मृत्यु समय जीव का जैसा संकल्प हो उसी के अनुसार उसे दूसरा शरीर मिलता है। अंतमता सोगता वाली बात। मृत्यु समय प्राणी को दीपक दिखाने की रीति है। यदि दीपक दिखाने से मुक्ति अथवा गति हो जाती तो मरने वाले के बाद दान पुण्य श्राद्ध इत्यादि शुभ कर्म करने की आवश्यकता थी, क्योंकि जिस जीव की गति हो जाए उसे इनमें से किसी चीज की जरूरत नहीं रहती। गति का अर्थ यह है कि भगवान की दिव्य ज्योति में समा जाए। इससे सिद्ध हुआ कि या तो दीपक देखने से सदगति नहीं मिलती अथवा वह दिया ही दूसरा है जिसके प्रकाश को देखने से सदगति मिलती है। असली भेद यह है, मनुष्य सहज समाधि द्वारा अंदर का दीपक प्रज्वलित करके उसमें सब वासनाओं की तृष्णाओं को शमन कर दे, ऐसा करने से इसी शरीर में मुक्ति मिलेगी। यदि यह कहा जाए कि दिया करने से ही मोक्ष मिलता है तो 84 लाख योनियों में भी जीव की मृत्यु होती है फिर उसी मुक्ति हो गई होती, परंतु ऐसा नहीं है। असली मुक्ति तो संकल्प विकल्प को दूर करने से ही प्राप्त होती है, अर्थात अपने अंदर की ज्योत जलाओ, उस ज्योत को ही देखने से हमारी मुक्ति हो सकती है। और वो ज्योत क्या है, वो साक्षात परमपिता परमेश्वर है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बोलिए सांचे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।